में जो भ्रष्टाचार हुए, गरीबों को सताया गया, उनके आवास नहीं बने, कहीं पैसा खा गए, उसके लिए मनरेगा के तहत पीएम आवास में है, तो ये सब डीएम को दिए, तो उसके बदले में मेरे को 4 FIR का सामना करना पड़ा, कर रहा हूँ। क्राइम फ्री मिशन से भी जुड़ा हूँ। राजेंद्र भाई, देश जी सर, पैर फटी हुई हैं। जो गांव नहीं देखा वो गांव अच्छा, जो देश नहीं देखा वो देश अच्छा, जो घर नहीं देखा वो घर अच्छा, घर गए वही मटियारे चूल्हे हैं। सबकी रोटी लकड़ी से बनती है और रोटी से ही पेट भरा जाता है, पैसों को तो गधा भी नहीं खाता। लेकिन ये पंचायत और लोकसभा तक इससे कम सब नहीं हो सकता। एक ही थाली के चट्टे बढ़ते नहीं, हैं। तुम इतने बीच के बताओ हम बताओ, किसी के लिफ्ट में के लिए कम तो आ रहा है, किसी के में ज्यादा आ रहा रहे। मैं है। तो करोड़ रहा, तुम दो हैं गेट, इसमें दो गेट हैं मेरे इसीलिए तो लिए, घबराए हुए ये सब हैं छोटे दो छोटे गेट हैं मछुआरे बच्चे। हैं। जो मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ है वो तो वहां बैठे हुए हैं। जो 42% अपने हाथ से लिखे यार आपराधिक एक मामले दो दर्ज गेट हैं, हैं उनको आपके, लोकसभा में बैठ करके देश के कानून के उसको गली निर्माता बने करना हुए हैं, जो पड़ेगा। खुद ही अपराधी हैं, वो देश का भला कैसे करेंगे? आप सोच करके हाँ जी, देखो। मैं अपनी जो वीडियो है ना वो उनके ग्रुपों पर अपलोड करता हूँ ना, तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं। भाई क्राइम जब फ्री भारत आप की जो किसी की वीडियो नाव में, अगर आप किसी नाव में इशारा कर देंगे, वो बोलेंगे किनारे पे पहुंच गए तो किनारे तो जाएंगे वो। अगर आप वीडियो बना करके उनके पास में भेजेंगे तो उनकी नाव में तो आपने छेद कर दिया, और फिर बोले जी आप जाइए यात्रा कीजिए, सब उसने ये कुछ कहाँ दीजिए। से भाई क्या उनको कर तो रहा है पानी क्या में डूबना तय है। आज, वही तो पूछते ये कहाँ और से इस पूछ काम में रहे। जितना काम हमारे श्रीमान मैथिली सर गुप्त जी ने बताए हैं, इसमें किसी की जेब से एक पैसा खर्च नहीं होगा। राजेंद्र जी, मैं एक छोटा सा सवाल करूं। जी हमारे जो हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, अगर हमारे कोई घरों में शादी ब्याह फंक्शन होता है तो कम से कम कितने लोगों को हम निमंत्रण देते हैं? जी सर, कितने लोग निमंत्रण देते अपने घर पर बुलाने के लिए? मिनिमम निमंत्रण तो 500 तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, इसमें से 2000 आदमी तो मिनिमम आते ही हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप जो बात कर रहे हैं आंकड़े 500, 400 और 2000 के आसपास तो जो है प्रसाद भी पाके जाते हैं, तो हमारे श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी बोलते हैं कि लेने के बाद हमें कम से कम 90 दिन के अंदर 90 लोगों को तो जो सदस्यता ही देनी चाहिए, तब हम सदस्य कहलाते हैं। और वो है एक उसमें आपने एक और मेरे था ख्याल ना, से अभी तक वो रखा है कि 39-40 लोगों को इस मिशन में सदस्यता दिलाई है, और मैं आपसे बहुत विनम्र भाव से ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे कर्मठ लोग अपने जानकार पहचानदार यारे प्यार दोस्त रिश्तेदार मात्र 90 लोगों को हम इसमें मिशन देना है, और आने वाले 90 सदस्यों को भी ये कहें, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो 50, 100, 200, 500 लोगों तक है सीमित। लेकिन जिन लोगों को आप इसमें सदस्यता दिलाएंगे उनसे भी ये कहना है कि आपने भी 90 दिन के अंदर, 90 दिन के यही अंदर बोलते, अंदर, यही बोलते हैं। वो 9 दिन में भी कर, वो 9 दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं, 30 में भी कर सकते हैं, 45 दिन में भी कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में भी जो दिला सकते हैं। 10 लोगों को रोजाना दिलाते हैं तो 9 दिन में हमारा हो जाए, 5 लोग दिलाते हैं हम ये संकल्प 18 दिन में पहुंच जाता है। अगर हम 3 लोगों को सदस्य दिलाते हैं तो 90 दिन में पहुंच जाता है, और दो दो व्यक्तियों को हम कराते हैं सदस्य दिलाने का काम करते हैं तो 45 दिन में हमारा काम पूरा होता है। और अगर एक दिन में एक व्यक्ति को भी अगर हम संकल्प के साथ इसमें मिशन में सदस्य को जोड़ दें तो 90 दिन में हम भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें होंगे, और जो नौ नौ मतलब 9 दिन में 100 करोड़ लोग इस मिशन के सदस्य होंगे, वो वोटर्स भी तो होंगे ना, वो ही तो वोट दे करके सरकार को चुनते हैं, बिल्कुल वही सर, हमारे राजनेताओं को लोकसभा में बिठाते हैं, वही राज्यसभा में इसमें विधानसभा में बिठाते हैं, और वही जिला परिषद पंचायत सेक्रेटरी, ये तमाम हमारे इन वोटरों के द्वारा ही जाते हैं। बिल्कुल राज्यसभा है उसके अंदर रूल है कि एमएलए एमपी चुन उसमें डायरेक्ट
साझेदारी की भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी ही होती है। एक एम का जो वोट काउंट होता है उसके विधानसभा क्षेत्र के जितने वोटर काउंटिंग होती है एक वोट की कीमत सोच करके देखिए, एक एमएलए की वोट की कीमत उसके विधानसभा क्षेत्र में जितने वोटर्स हैं उसके बराबर काउंट होती है। जबकि ये चाहते नहीं है वोटिंग डालें, अगर 100% वोटिंग होगी तो दो दिन में जो है वोटिंग पूरी होती है, क्योंकि 1200 तक एक होती है और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आए तो 600 से 700 लोगों की पोलिंग हो सकती है एक दिन के अंदर जितना किया है। जब दो दिन में करके वोटिंग पूरी होगी तो एक दिन वोट कैसे डल जाएंगी, क्योंकि हमारे राजनेता ही नहीं आते कि वोट 100% है। अगर वोट 100% पड़ेगी तो ये किसी भी हालत जीत कर पहुंच नहीं सकते। क्या 150 करोड़ के देश में जिस देश की आबादी 150 करोड़ हो क्या उसमें 500 को साफ नियत के साफ सुथरी करके देश के लिए कानून का निर्माण कर सके, देश की समस्याओं का? अगर अपराधी ही कानून के निर्माता होंगे तो देश का भला कभी नहीं हो सकता। जनता के जो पैरों में दवाई फटी हुई है उसमें कोई सनेलेप नहीं लगाने वाला है जी। और अभी आप अपने अनुभव बताइए, और अभी हमारे पैनल में 17 लोग सुन रहे हैं पीछे, उनमें से ये बोलना चाहते हैं अपने मुखारबिंद से तभी भाइयों को लाभान्वित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम, जय जवान, जय किसान, जय सनातन संस्कृति। सभी साथियों को नमस्कार, और संजय शिवाल, सालिग्राम और ईशा तीनों लोग जो है मैं देख रहा हूं कि पीछे हैं, वो तीनों लोग जो है पैनल पे आ जाएं। देखिए, यदि हम जमीन पर